क्या नाम है फिल्म का सर? फिल्म का नाम है भोजपुरिया की और इसके लीड हीरो हैं रवि यादव जी, प्रोड्यूसर हमारे सी बी चौधरी जी और सी पी पैराडाइज मोशन पिक्चर के नाम से हमारा बैनर है जिससे ये फिल्म आ रही है भोजपुरिया की। सर भोजपुरिया किंग बना रहे हैं पहली बार भोजपुरी में जी, भोजपुरिया डॉन क्यों नहीं बनाया? तो हमें नहीं पता कि क्यों नहीं बनाया। तो सर एज ए डायरेक्टर कौन कौन सी फिल्म आपकी आ चुकी है? अभी मेरी फिल्म आई भोजपुरिया में दम आई है, रिलीज हुई है, एक दीवाना बारह सीना भी लगी है जो अभी ऑन फ्लोर है और भोजपुरिया किंग अगला पड़ाव। कैसे रवि यादव जी का चयन कैसे किया आपने, सोचे कि इनमें उतना दम है कि किया जाए? अभी हम लोगों ने फिल्म की है रुद्रदेव जिसमें रवि ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। और इसी वजह से फिर हम लोगों ने जो प्लान किया कि रवि को ही लेके करते हैं, बॉन्डिंग होती है रवि यादव जी, बहुत बधाई हो वापस डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला आपको, कितना खुशी है आपको जरा बताएं। सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी को मेरा नमस्कार है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप सबको नमस्कार। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर हेमराज वर्मा जी का और बड़े भैया प्रोड्यूसर सी पी सर का और आपके पर्सन बनर का नाम कैसे सी पी पैराडाइज मोशन पिक्चर का, इन्होंने मुझे स्लैग समझा और अपनी फिल्म भोजपुरिया किंग में एज अ लीड ऑफर किया। और हेमराज सर के साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका हूँ रुद्रदेव, बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, प्यारा सिनेमा बना है। तो जब आप किसी दूसरी फिल्म में रिपीट होती हो सेम डायरेक्टर के साथ में, तो एक कलाकार को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं उसके काम को सराहा जा रहा है, उसके काम को पसंद किया जा रहा है। जो प्रोड्यूसर होता है उनके अंदर भी एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है कि इस डायरेक्टर के साथ काम किया था, दोबारा रिपीट कर रहा था, कहीं ना कहीं उस कलाकार के अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि ये भोजपुरिया किंग बनने जा रही है। यूनिक सब्जेक्ट है, यूनिक कहानी है और फुल एक्शन फिल्म है और मुझे लगता है कि भोजपुरिया दर्शक है भोजपुरिया किंग को जब देखेंगे तो बवाल मच जाएगा। हेमराज जी, कौन कौन से और कलाकार फाइनल हो चुके हैं? अभी संजय पांडे जी फाइनल हो चुके हैं, देव सिंह जी फाइनल हो चुके हैं, समर चतुर्वेदी जी फाइनल हो चुके हैं, बालेश्वर जी फाइनल हो चुके हैं, बाकी चयन चल रहे हैं। म्यूजिक और लिरिक्स की बात करते हैं, म्यूजिक और लिरिक्स अनुपम पांडे जी का है और टेक्नीशियन कोई जो जुड़ा है? टेक्नीशियन में अभी सब धीरे धीरे चयन चल रहा है और तैयारियां चल रही हैं, अभी तो आर्टिस्ट को ही पहले फोकस किया है, उसके बाद धीरे धीरे सब चयन। कब से प्लानिंग है फिल्म की शूटिंग, कहाँ करने वाले हैं? ये हम लोग शूट करेंगे 16 जून से और फिरोजाबाद में प्लानिंग है हमारा शूट करने का, फिरोजाबाद और सर फर्स्ट टाइम मूवी बना रहे हैं, कितना उत्साहित हैं आप? मैं ठीक हूँ, जैसा भी है फिल्म बना रहा हूँ, क्योंकि भोजपुरी फिल्म जो है आप तक जो है ना वो दबी हुई थी, उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो फिल्म बने वो अच्छे से मार्केट में आए और भोजपुरी फिल्म में जो है दम आने चाहिए ताकि अब नए कलाकार उठें और भोजपुरी का नाम रोशन हो। क्या कुछ बदलाव आया अभी अभी नए प्रोजेक्ट को लेकर के? मेरे हाँ, आपके अंदर कितना बदलाव आया है? नहीं, बहुत बदलाव आया है। अभी जो सिनेमा में कर रहा हूँ वो डिफरेंट जोन की फिल्म कर रहा हूँ, अभी मैं एक तो फिल्म का नाम नहीं बताएंगे लेकिन बहुत जल्दी फिल्म करने वाला हूँ, उसके बाद महाशिवरात्रि कर रहा हूँ, सभी फिल्म रुद्रदेव की थी, आवर्स ऑफ ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, तो अच्छा है। अभी भोजपुरिया किंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जब मैं रुद्रदेव फिल्म कर रहा था तो सर मेरे पास आए, सर ने कहा कि स्टोरी है और वो कॉन्सेप्ट आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो जब उन्होंने मुझे कहानी बताई तो आई वॉज वेरी हैप्पी और मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, तो मैं सर का शुक्रिया करता हूँ कि सी बी सर का कि आप इस फिल्म को बना रहे हैं और पहली बार सिनेमा बना रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई प्रोड्यूसर बोलता है कि फिल्म खर्चीली ज़रूर बने लेकिन सिनेमा दिखना चाहिए कि भोजपुर में किसने सिनेमा बनाया है, तो मैटर करता है कि फिल्म कैसी बनी है। इनकी एक अच्छी बात लगती है कि एक का अगर 2 लाख भी लग जाता है लेकिन सिनेमा अच्छा बनना चाहिए, सिनेमा का ग्राफ अच्छा होना चाहिए, पब्लिक बोले कि नहीं सिनेमा अच्छा बना है, किसी प्रोडक्शन हाउस ने सिनेमा बनाया है, तो अच्छा लगता है जब प्रोड्यूसर इस तरह के आते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे प्रोड्यूसर और आना चाहिए मार्केट में जो बोलते हैं कि 20 को 19 करो 18 करो, उसमें सिनेमा बन नहीं पाता है, बट उनकी तो सोच है पहले से कि 1 का 2 हो जाए चलेगा लेकिन सिनेमा अच्छा बनना चाहिए, मेरे बैनर का नाम होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है सर जो आपकी आपकी बात हुई। सी बी जी, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर में शूटिंग क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं नहीं, मैं सिद्धार्थनगर से हूँ लेकिन गोरखपुर में भी करेंगे, लेकिन उस हिसाब से जो फिल्म की चीज़ें हैं वो सारा जो है इटावा और फिरोजाबाद में ही शूट हो पाएगी और अयोध्या के अंदर।
जो कहानी की डिमांड है वो फिरोजाबाद कहानी के हिसाब से जो है वो जगह शूट कर रहे हैं हम लोग, और जो नेक्स्ट मूवी अगर हम करेंगे तो वो कितना भरोसा करते हैं आप डायरेक्टर के ऊपर? बहुत फुल भरोसा है। पक्का? पक्का। चले जाते हैं दर्शकों से क्या कहेंगे रवि? सबको नमस्कार, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। एक मैंने अपने हर इंटरव्यू में कहा है कि एक नेता और अभिनेता आप सभी के बिना कुछ नहीं होता है। एक नेता कितना भी इलेक्शन कर ले, कितना भी रैली लड़ ले, लेकिन जब तक आपके वोट नहीं मिलेंगे तो वो जीत नहीं सकता। एक अभिनेता कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी संघर्ष कर ले, कितनी भी फिल्में उसकी आ जाए, जब तक आप सबका प्यार आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मैं रवि बना सिर्फ आपकी वजह से। तो जितनी फिल्मों को आप लोगों ने मेरे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, एक नई फिल्म और लेकर आ रहा हूँ आप सबके लिए, भोजपुरी किंग, जो सबसे अलग होगी अब तक का जो सिनेमा किया है मैंने। तो बस हमारी टीम को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। डायरेक्टर हिंदा वर्मा को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हमारे सीपी सर पहली बार फिल्म बना रहे हैं तो उनको आशीर्वाद दीजिए। और बस जब ये फिल्म आए भोजपुरी किंग आप लोग देखिएगा, और जो प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं बस देते रहिए। सीपी जी, एक और फिल्म आ रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? हाँ, फिल्म के अभी हम लोग हॉरर मूवी की सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो अभी डिसाइड कर देंगे 10-15 दिन में उसकी। थैंक यू सर। थैंक यू।